अगर किसी स्टैग्नेंट वाटर में, मतलब स्थिर पानी में, मैं पत्थर फेंकता हूं तो उस पानी में एक वेव क्रिएट होगा। मैंने इस पॉइंट पर एक चेंज किया जिसका इफेक्ट हमें उसके सराउंडिंग में देखने को मिला। ठीक इसी तरह अगर किसी चार्ज को कहीं रखा जाए तो उसका इफेक्ट उसके सराउंडिंग में क्रिएट होगा और उसे ही कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। द स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इस इफेक्ट को हम लोग देख नहीं पाते हैं पर ये एग्जिस्ट करता है। जैसे कुछ फील्ड्स हमें दिखाई नहीं देते हैं पर उनका एग्जिस्टेंस हम लोग फील कर पाते हैं। धरती ने हम लोगों को अपनी तरफ खींच के रखा है, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। पर क्या आप लोगों ने कभी ग्रेविटेशनल फोर्स देखा है? नहीं। चुंबक दैट इज मैग्नेट आयरन को अपनी तरफ खींचता है। अब ऐसा तो नहीं कि रस्सी से बांधकर वो आयरन को अपनी तरफ खींचता है। इन दोनों के बीच कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है फिर भी वो आयरन को अपनी तरफ खींचता है। मतलब इन दोनों के बीच कुछ तो है जो दिखाई नहीं दे रहा पर एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब मैग्नेट अपने सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट करता है, एक इफेक्ट डालता है। पर जो दिखता नहीं उसे प्रूफ कैसे करें? ये तो ऐसा क्वेश्चन हो गया कि भूत है या नहीं, डू रियली घोस्ट एग्जिस्ट। पर साइंस जो कहता है वो उसे प्रूफ करता है। नहीं नहीं, हम लोग भूत के एग्जिस्टेंस को नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जिस्टेंस को प्रूफ करेंगे। इस वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करेंगे इस वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड, वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर समथिंग विच इज नॉट विजिबल टू अस। सो लेट्स डू इट। कूलम बाबा एक बहुत ही सही चीज बोल के निकल लिए जो आगे चल के बहुत काम में आया। उन्होंने कहा था कि दो चार्ज के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन उन दो चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट पर और उन दो चार्ज के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। That is, the force between these two charges, F, is directly proportional to Q into Q1 and inversely proportional to the square of the distance between them, that is, R square. We can write this force in this form also. F equals to K Q into Q1 divided by R square, where this K is the constant of proportionality, which is also known as electrostatic constant. Electrostatic constant को हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा था previous video में. Do watch that video to clear the concept of electrostatic constant. The link is there in the description box and here also. अब इस formula में charge Q1 को थोड़ा अलग से लिखते हैं। मैंने ऐसा क्यों किया ये अभी आप लोग कुछ देर में समझ जाओगे। जिस पॉइंट पे चार्ज Q1 है उसी पॉइंट पे Q1 को हटाकर किसी और चार्ज Q2 को अगर रखते हैं तो फॉर्मूला ऐसा बनता। अगर Q2 के जगह उसी पॉइंट पे किसी और चार्ज Q3 को रखते तो फॉर्मूला ऐसा बनता। अब इन तीनों फॉर्मूला को अगर ध्यान से देखें तो ये वाला टर्म कॉमन है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं दैट दिस टर्म इज एसोसिएटेड विथ दैट पर्टिकुलर पॉइंट, दिस टर्म इज डेडिकेटेड फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट।
आप चार्ज कुछ भी रखो, ये टर्म उस पॉइंट के लिए फिक्स्ड है। अगर कोई और पॉइंट लेते तो आर चेंज होता, तो ये वाला टर्म भी चेंज होता। तो क्यू से आर डिस्टेंस पर आप चार्ज Q1 रखते हो, चार्ज Q2 रखते हो, या चार्ज Q3 रखते हो, या कोई भी चार्ज रखते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चार्ज Q अपना एक इफेक्ट जनरेट कर रहा है, डेवलप कर रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, और वो इफेक्ट है ये वाला टर्म। उस पॉइंट पर कोई भी चार्ज हो, चार्ज Q उतना ही इफेक्ट जनरेट करेगा, और इस पर्टिकुलर टर्म को ही कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट ड्यू टू चार्ज क्यू। अब अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग होगा। अब ये वाला टर्म इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अगर पॉइंट को दूर ले जाते हैं, मान लो इधर कहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट का कम होगा एज कंपेयर टू दिस पॉइंट। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। देखो ध्यान से, ये वाला टर्म आर पर डिपेंड कर रहा है, तो पॉइंट को दूर ले जाने से आर इंक्रीज होगा, और अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगा, सिंस दे आर इनवर्सली रिलेटेड एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक दे फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो जैसे जैसे क्यू से डिस्टेंस बढ़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होता जाएगा, मतलब इंटेंसिटी वैरी कर रहा है डिस्टेंस के साथ, मतलब एक फील्ड क्रिएट हो रहा है यहां। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, इसीलिए इसे ई ऑफ आर, दैट इज फंक्शन ऑफ आर, ऐसा लिखा जाता है। अब इस चार्ज के आर डिस्टेंस पर एक पूरा सर्कल है, स्पेस में या 3D में देखें तो एक स्फीयर है आर डिस्टेंस पर। तो उस स्फीयर पर हर एक पॉइंट पर चार्ज क्यू का इफेक्ट, प्रभाव, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगा, क्योंकि सभी आर डिस्टेंस पर है। सिंपल। तो अब फोर्स बिटवीन टू चार्जेस को हम ऐसा लिख सकते हैं, फोर्स F इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू टेस्ट चार्ज क्यू। टेस्ट चार्ज क्यू कहा मैंने, क्योंकि हम लोग यहां अलग अलग चार्ज रख के टेस्ट कर रहे थे, इसीलिए इस चार्ज को टेस्ट चार्ज कहा जाता है, और जिस चार्ज का फील्ड हम लोग मेजर कर रहे हैं उसे सोर्स चार्ज कहा जाता है। अब अगर ये टेस्ट चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता, मतलब 1 कूलम चार्ज, तो फोर्स F इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E हो जाता, और किताबों में बिल्कुल यही डेफिनेशन दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स दैट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज वुड एक्सपीरियंस इफ प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी पॉइंट पर रखने पर जो फोर्स उस पर एक्ट होगा, दैट फोर्स विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। बट इन जनरल इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज E equals to F divided by Q. So unit of electric field intensity will be Newton per coulomb. और हमें पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन कैसा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डेफिनेशन में हम लोगों ने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कंसिडर किया, पर क्यों नहीं यूनिट नेगेटिव चार्ज को कंसीडर किया गया? अगर बहुत सारे चार्ज हो तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा? इन सारे सवालों के जवाबों को ढूंढेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बी बिंदास, बी कूल, लीड लाइफ विथ योर ओन रूल। हास्ता ला विस्ता। Thank you.